रूपा के घर के बाहर तो प्रतिदिन लोग जमा हो रहे हैं और सारे लोगों का कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा लोग यहाँ रहेंगे ही। और आज जैसे पता चला कि बहुत बड़ी गाड़ियों के रेला में लोग पुलिस आए थे और रूपा तिर्की के घर के घर को चारों तरफ से घेर लिया था और घेरने के बाद उनके परिजन को ढूंढ रहे थे। परिजन किसी कारणवश किसी काम के कारण निकल गए थे, लेकिन अगर मान लीजिए पता चला कि नहीं पूछताछ करने के लिए आए, तो पूछताछ करने के लिए आए तो पूरा घर को घेरना, इतने बड़े मतलब पुलिस फौज को पुलिस का पूरा मतलब झुंड ले आना और उसके बाद पूरा घर को घेर लेना, तो ये कहीं ना कहीं आपके गलत मंशा को दर्शा रहा है और ये एक कहीं ना कहीं उस परिवार को और उसके साथ जो आंदोलन में खड़े हैं लोग हैं उनको मानसिक तौर पर एक डराना और धमकाना ही एक हम कह देने। तो इतना बड़ा आपको अगर पूछताछ करना है तो आप आइए ना भाई, आइए, प्रेम से क्या पूछना है भाई। परिजनों को भी तो चाहिए कि उनकी बेटी की हत्या हुई है तो उसके भी मन में कुछ सवाल है, वो भी पूछेंगे, आपको भी पूछना, आप भी पूछे, लेकिन इतना हुजूम और इतना फोर्स और इतना अगर घर घेर के आप करना तो कहीं ना कहीं आप उसके परिजनों को मेंटली तौर पर, आंदोलन करने वालों को मेंटली तौर पर आप दबाना और धमकाना चाहते हैं। इस दबाना और धमकी से कहीं लोग लड़ने वाले लोग और परिजन डरने वाले या टूटने वाले नहीं है। हम लोग यहाँ पे आए सवेरे, पता चला कि निर्मला बताई कि भाभी जल्दी आ जाइए, पूरा पुलिस प्रशासन लोग 7 गाड़ी आके पूरा घर को घेर लिया है। अब मम्मी पापा यहाँ पे नहीं है, हम लोग तुरंत वहाँ से चले आए। अगर ये सुसाइड होता तो ये पुलिस प्रशासन क्यों आती यहाँ पे? जब बॉडी आया कहना है कि हम बयान लेने आए थे, तो बयान लेने के लिए आए तो इतना पूरा काफिला लेके आने का क्या जरूरी था? वो सिंगल भी आ सकते, 2-3 गाड़ी एक गाड़ी में आ सकते थे, इतना 7 गाड़ी आने का क्या मतलब था? क्या कह रहे हैं? स्पेशल फोर्स के साथ आए हैं, जैसे कि इस डर के कारण ही वो लोग, और जब वो नहीं है अभी हम लोग आप बोल रहे हैं कि आइए आप लोग भेंट करने, उस समय तो वो सब नहीं आ रहे हैं, चुप्पी साधे हुए थाने में बैठे हुए हैं, बोल रहे हैं तबीयत खराब है। जब हम लोग को सवाल का जवाब नहीं देंगे तो क्या ये प्रशासन है? आप लोग भी सवाल जवाब करना चाहते हैं प्रशासन? जी हाँ, हम लोग भी सवाल, हम लोग सवाल है, हम लोग सवाल है कि जिस तरह से हत्या हुआ है तो आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है कि कितना उत्पीड़ित उसको किया गया है, शरीर में पूरा चोट का निशान है, आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, सब चीज सामने है लेकिन भी आप लोग अंधे बने हुए हैं, ये चीज हम लोग कहना चाह रहे हैं। क्यों इतने आक्रोश में है आप लोग? जनता इसलिए आक्रोश में है कि जिस तरह से रूपा तिर्की थाना प्रभारी का हत्या हुआ है, ये कि कोई इतना जनता को किसी को नहीं लग रहा है कि हत्या नहीं है, ये हत्या ही सुसाइड नहीं है, जिसको साफ साफ शब्दों में कह दे रहे अधिकारी कि ये सुसाइड है, हत्या नहीं है। तो जितने भी घटना में जो भी क्लू आ रहा है उसको छुपाने की कोशिश किया जा रहा है और जनता को बरगला रहा है, इसलिए जनता आक्रोश में है। अगर आज आदिवासी एक महिला थाना प्रभारी बनती है तो उसको इस तरह से हत्या करके उसकी मामला को दबाने की कोशिश किया जाता है, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि रूपा तिर्की जैसे होनहार थाना प्रभारी को न्याय दिया जाए और इनकी सीबीआई जांच हो। सुबह में 7:30 से 8 बजे के बीच में 8-10 गाड़ी का मैं बहुत सारे फोर्स डंडा और अपना पूरा बल सल के साथ डीएसपी और वगैरह कौन आए थे, बहुत सारे लोग आए थे, हम लोग अच्छे से नहीं देख पाए लेकिन बहुत सारे लोग आए थे। उस समय आके घर में नहीं थे, रूपा के मम्मी पापा नहीं थे, तो फिर वापस चले गए, तो हो सकता है वो लोग अपना दबाव के साथ उनका कुछ संज्ञान लेना, कुछ बयान लेने के लिए आए होंगे। जी हाँ, दबाव के साथ ही आना था, तब कोई भी ऑफिशियल काम 10 बजे के बाद होता है, लेकिन यहाँ पर क्यों प्रशासन 7:30 बजे ही आ गई, तो हम लोग को और शक लग रहा है कि जरूर इसमें कुछ ऐसी बात है जिसके कारण ये कहते हैं सच्चाई छुपाने के लिए ये लोग आते हैं सुबह जल्दी 7 बजे, तो ये कहते हैं कि परिवार को शोषण करना चाहते होंगे ये लोग, इसीलिए ये लोग जल्दी आते हैं जबकि टाइम पे नहीं आते हैं, और ऐसे टाइम पर आ जाते हैं तो किस लिए और क्या बात है? इसमें तो कुछ सच्चाई छुपाना